एशियन गेम्स का आज 10वां दिन, ब्रॉन्ज मेडल से खुला भारत का खाता। नौकायन में अर्जुन सुनील की जोड़ी ने कमाल किया, 1000 मीटर कैनो डबल में ब्रॉन्ज जीता। एशियन गेम्स में भारत ने नेपाल को धूल चटाई, सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम। भारत ने 10 दिनों में जीते 13 गोल्ड मेडल, अब तक भारत के खाते में 61 मेडल। अयोध्या में अस्थायी राम मंदिर में की गई रामलला की मंगल आरती, इस मौके पर रामबाई हुई धर्मनगरी अयोध्या। प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ तेलंगाना के दौरा, छत्तीसगढ़ को 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में छिड़ी बंटवारे की जंग, जाट संसद में भी केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान ने पश्चिम यूपी के अलग राज्य की मांग दोहराई, कहा मेरठ हो इसकी राजधानी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी और भारतीय सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी यूपी के 4 टुकड़ों की मांग की, कहा प्रदेश बड़ा है, यूपी में पूर्वांचल समेत बने 4 राज्य। तेलंगाना में 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पवन कल्याण की जनसेना पार्टी, हैदराबाद और खम्मक के इर्द गिर्द है ज्यादा सीटें। जम्मू के पास रजौरी में आतंकियों पर सॉलिड प्रहार, सुरक्षा बलों की घेराबंदी में फंसे 3 दहशतगर्द, गोलीबारी के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। चंडीगढ़ के वेलफेयर ट्रस्ट के कन्या व्रत कैंपेन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया, 24 घंटे में सैनिटरी प्रोडक्ट्स बांटने का रिकॉर्ड बनाया। पुंछ में शाह सितार साहित्यिक महोत्सव का आयोजन, स्थानीय लोक और भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर से सुमावली तक मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, ट्रेन में भी सफर किया। उड़ीसा के गुनुपुर में सौरा भित्ति चित्रकला वर्कशॉप का आयोजन किया, आदिवासियों की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की पहल। चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने इसरो वैज्ञानिकों को सम्मानित किया, कहा वैज्ञानिकों ने देश का नाम रोशन किया। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित सेमिनार में शामिल हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कई साधु संतों ने लिया हिस्सा। वाराणसी में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और योग गुरु रामदेव ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा, भोलेनाथ का लिया आशीर्वाद। पटना में पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्री तेज प्रताप यादव ने निकाली साइकिल यात्रा, लोगों से की पर्यावरण बचाने की अपील। नागपुर में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन, आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने की शिरकत। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को जमीन के कागजात सौंपे, कैशलेस पंचायत का भी किया उद्घाटन। कोची में केरल के मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय कैलीग्राफी उत्सव का उद्घाटन किया, बच्चों को शानदार लिखावट का संदेश दिया। भोपाल में संविधान और लोकतंत्र बचाओ यात्रा का आयोजन, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह शामिल हुए। चेन्नई में राज्यपाल आर एन रवि ने खादी रिबेट सेल्स का शुभारंभ किया, महिलाओं को सम्मानित किया। चंद्रपुर में ट्रक चालक के बेटे को राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए लंदन भेजा, गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाकर शिक्षा के लिए प्रेरित करते थे। शिमला में 85 दिन बाद पहुंची कालका शिमला टॉय ट्रेन, लोगों ने ट्रेन में यात्रा कर खुशी जाहिर की।